भाजपा प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश और पार्टी के बूथ के राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुसार डी कस्बे में भाजपा कार्यालय पर शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता के सानिध्य में जन जन के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता एवं प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। इसके साथ ही उपाध्याय उत्कृष्ट संगठनकर्ता भी थे जिनके पथ पर आज संगठन खड़ा है। उन्होंने बताया, पंडित दीनदयाल का विचार था कि हमारी नज़र सबसे अंत में खड़े व्यक्ति पर रहनी चाहिए। हमारी समझ और प्रयास में अंत में फंसे व्यक्ति को संतुष्टि पूर्ण अगर भला होता है और उसे विकसित कर दें तो विकासवाद की एक कड़ी बनती है। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए पथ पर चलने की शपथ ली। भारतीय शहर मंडल डी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती का समारोह मनाया गया और मंडल के सभी साथी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको पुष्पांजलि अर्पित कर दी तथा पंडित दीनदयाल जी के विचारों से मार्गदर्शन दिया। पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद व अंत्योदय की योजना के बारे में विस्तृत रूप से पदाधिकारियों ने बताया और मंडल ने और उनके सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलने की प्रेरणा ली